Hello everyone, so this is Shubhi Gupta and we are again here for conducting our lectures for BA LLB Honours Integrated Course, 5 years of course, and second semester pe hum log hai. Fourth paper hai humara, History, Lecture 4 is there of Unit 2, that is Development of British Legal System in India. Achha, itni saari cheeze kyun bata rahe? Because I know, Unit 2 mein gaps ho rahe hai, right? रेगुलरली इतने मतलब रोज़ रोज़ वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, यू विल गेट इट, आई मेड यू श्योर. बट हाँ, एक दो दिन का गैप हो सकता है, बट कोई बात नहीं, जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप रिवाइजिंग इट. एडिशनली आप लोग अपना रिवीजन के साथ साथ जो बाकी आई नो लेक्चर्स में कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा शायद, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म्स लगा रखे हुए हैं, दैट इज़ MCQs. सो आप जो भी वीडियोज़ देखते हो, टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक या थोड़े टाइम बाद आओ, दोबारा से आओ, यू जस्ट चेक इट एंड जस्ट सी हाउ मेनी MCQs आर यू एबल टू गेट इट करेक्ट. क्योंकि देखो वीडियोज़ में इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू कीप अस रिवाइजिंग, हाँ 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 बैठ के बोल सकते हैं, बट एक्चुअल मज़ा तभी है जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं. सो प्रैक्टिस MCQs, ओके, एंड यूनिट के मीन्स लेक्चर के साथ साथ आपके नोट्स भी अलाइंड हैं, सो यू कैन हैव एन एक्सेस ऑन इट ईजिली. ओके, सो नाउ हियर वी ऑन स्टार्ट विद अ लेक्चर नंबर 4, एंड आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स आपके सिलेबस में 4 दिए हुए हैं, दैट इज सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा. आज हम लोग 2 सेटलमेंट्स कवर करते हैं, सूरत एंड बॉम्बे. लेट अस हैव अ लुक. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मद्रास के बारे में पूछा था, वो भी ऐसे करके कि अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मद्रास बताइए. अच्छा, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, दैट मीन्स जब तक कि कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ना आया हो. थिंक दिस वे, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन बोला मतलब कुछ तो किसी चीज़ कंक्रीट के पहले पूछ रहा होगा. सो जब तक कि कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं आया, उससे पहले का पूछ रहा है. आई एम आस्किंग यू ऑल, यूनिफॉर्म सिस्टम कब आया था, कब तीनों प्रेसिडेंसीज में मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, ये उस अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर के पहले के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू अनफोल्ड योर क्वेश्चंस, कि आप समझें कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, एंड एवरीथिंग बिकम्स ईजी. ठीक है, सो क्वेश्चन में ही हमारे आंसर छुपे होते हैं. लेट अस सी. सो बाय द टाइम आपको क्या बताना है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड. जब हम सेटलमेंट्स पढ़ रहे हैं तो क्योंकि और कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं हैं सूरत के बारे में या बॉम्बे या कैलकटा के बारे में, सो गेट वन थिंग स्ट्रेट कि आपसे पूछेंगे तो एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन या अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ही पूछ सकते हैं. सो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही निल हो, और ये भी नहीं कि बहुत प्रेशर देकर हम सब कुछ एक एक डिटेल्स याद कर रहे हैं. नहीं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद अ जनरल आइडिया. ठीक, लेट अस मूव ऑन दिस. तो इसी के हिसाब से अपने बेसिक डिटेल्स याद रखना, जस्ट द बेसिक वंस. एंड आई नो कि आज जो पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं वो बेसिक के बेसिक हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सूरत की बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. सूरत का सेटलमेंट पढ़ना है हमें 1613 से 1687 तक की. अब पर्टिकुलर ईयर्स क्यों है, 1613 क्यों है, यू ऑल नो 1612 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, सो ऑब्वियसली उसके बाद का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. अभी 1687 ही क्यों लिखा है, वील कम टू दिस पॉइंट. जब हम इस सूरत को एंड करेंगे तब हम देखते हैं कि 1687 ही क्यों लिखा है, उसके बाद ऐसा कौन सा चेंज हुआ जिसकी वजह से हम अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इतना टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हैं. मूविंग विद दिस, लेट अस हैव सम स्टोरी टाइम. सो सूरत की बात करते हैं. जब ब्रिटिशर्स, ओके फाइन, यू कैन हैव अ लुक ऑन दी राइट अप, थोड़ा रंग बिरंगा है ताकि आपको इंटरेस्ट रहे और वो पर्टिकुलर पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखो, चाहे वो बोल्ड हो चाहे वो कलर्ड हो. ओके, बाकी स्टोरी हम फॉर्म कर दे रहे हैं. सो जब ब्रिटिशर्स इस इंडिया सॉइल में आए तो ऑब्वियसली वो एज अ कमर्शियल बॉडी आए थे, एज अ ट्रेडिंग बॉडी आए थे. तो उनका क्या मोटिव था, उनका मोटिव था कि एक अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे एंड वहीं से हम अपना कंडक्ट करते रहेंगे ट्रेड. अब उन्होंने देखा, ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज ही तलाश रहे थे, सो उन्होंने देखा एक ऐसी प्लेस जो ट्रेडिंग सेंटर ऑलरेडी थी, जो एक कमर्शियल सेंटर था, एंड ऑल्सो वो एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड.
अब ऑब्वियसली तो उनकी नजर पड़ी, सुटेबल प्लेस वॉज सूरत। सूरत में लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पोर्चुगीज वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एंड ऑब्वियसली फॉरेन पावर्स उस टाइम पे इसी टग ऑफ वॉर में थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। सो पोर्चुगीज ऑब्वियसली इतनी जल्दी अलाउ तो करते नहीं। सो ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच क्लैश हुई एंड 1612 में ब्रिटिशर्स वन। इसीलिए सूरत वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर द इंग्लिश सेट अप देयर फैक्ट्री एंड उन्होंने अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज वहीं से स्टार्ट की। इतनी कहानी फर्स्ट पैरा में थी, ठीक है आगे की कहानी पे आते हैं। अच्छा, फैक्ट्रीज का मतलब समझते हो, कुछ लोग समझते होंगे। नॉट टूडेज फैक्ट्री, जहाँ प्रोडक्शन होता है। इंग्लिश फैक्ट्रीज वो जगह थी जहाँ पे उनके वेयर हाउसेज भी थे, मतलब काम करने वाली भी जगह थी, स्टोर करने वाली जगह भी थी, एज वेल एज उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी उसी एरिया में बने हुए थे, ठीक है। सो अब पूरा सेटलमेंट तो उसी में बसा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि मुगल एम्परर से थोड़ी सी परमिशन लेनी चाहिए कि थोड़ा सा जगह मिल जाए, थोड़ा सा हम अच्छे से सेटअप कर लें अपना, सो एंड सो। तो ऑब्वियसली अच्छा, उनसे क्यों परमिशन लेनी थी, क्योंकि उस टाइम पे मुगल पीरियड चल रहा था एंड जो सूरत उन्होंने अपनी जगह चूज की थी वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल ज्यूरिसडिक्शन में आती थी, हम ये कह सकते हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती थी। अब आप किसी के ज्यूरिसडिक्शन में जाओगे तो आप ऐसी कोई भी लैंड लेके काम नहीं करने लगोगे ना। सो इसीलिए ब्रिटिशर्स को चाहिए था देन प्लीज गिव मी सम परमिशन, सम कंसेशन। सो इस तरीके से इस काम को करने के लिए जेम्स वन ने 1615 में सर थॉमस रो को भेजा कि जाओ जरा सा कंसेशन लेकर आओ, कुछ काम करके आओ। एंड देयरफॉर सर थॉमस रो रीच्ड द मुगल दरबार एट आगरा। मुगल दरबार जो आगरा में उस टाइम सेटअप हुआ था वहाँ पे ये पहुँचे एंड कुछ कंसेशंस ऑब्वियसली उन्होंने एक्वायर कर लिए। अब वो कंसेशंस इनके लिए बहुत बेनिफिशियल थे। अब लेट अस सी कि कौन से कंसेशंस मिल गए उनको। वहाँ पहुँचे ऑब्वियसली अपनी जगह बनाते बनाते अपने ब्रिटिश का नाम, मतलब अपने किंग को क्या बोलते रिप्रेजेंट करते करते और उनकी बातें समझाते समझाते उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। बट टाइम हुआ तो क्या हुआ, 1618 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली मुगल एम्परर्स के साथ। इस ट्रीटी में क्या हुआ, इस ट्रीटी से उनको बहुत सारे फायदे मिल गए सीइंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली। पहली बात सी इटलिक्स में देखो, देयर ओन लॉज एंड रिलीजन विदाउट एनी लोकल इंटरफेरेंस। सो मुगल रूलर ने कहा कि ठीक है आप जो भी एरिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसमें अपने लॉ अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं और आपको कोई भी लोकल पर्सन इंटरफेयर नहीं करता मिलेगा वहाँ पे। वेरी गुड, अपनी इच्छा से कौन नहीं जीना चाहता, दिस इज व्हाट दे गॉट। सेकंड वाज कि अगर कभी कोई इंग्लिश मैन में डिस्प्यूट हुआ दोनों में आपस में तो आप अपनी ट्रिब्यूनल में सॉल्व कर लीजिए, लोकल पर्सन कोई कुछ नहीं कहेगा। वेरी गुड, हमारी आपस की बात हम सॉल्व कर लेंगे, बेटर इंटरफेयर नहीं होगा। थर्ड क्या हुआ, अगर कोई डिस्प्यूट होगा इंग्लिश मैन और नेटिव के बीच में तो क्या किया जाएगा, तब तो आपको नेटिव अथॉरिटी के पास आना ही पड़ेगा, तब आप इतनी इजीली एस्केप नहीं कर सकते। बट यहाँ पे भी एस्केप क्लॉज था, अभी हम लोग उस पर आएंगे कि इस चीज़ से ब्रिटिशर्स कैसे बचे। थर्ड पॉइंट याद रखना, जब इंग्लिश और नेटिव के बीच में डिस्प्यूट होगा तो कोई भी लोकल नेटिव अथॉरिटी के पास वो जा सकते हैं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। बट इंग्लिश ने मतलब इंग्लिश मैन ने इसके लिए भी एक तोड़ निकाल लिया था, विल सी लेटर ऑन। एंड फोर्थ वॉज दैट जितने भी केसेस होंगे कंप्लेंट या कॉन्ट्रोवर्सीज के इंग्लिश मैन से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर एरिया का एक काजी होता था। आई नो हम लोगों ने बात की है ना काजी की, नहीं याद है देन गो टू द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे देखना हम लोग ने काजी की बात की थी। एंड रिमाइंड फ्रॉम देयर, रिवाइज फ्रॉम देयर, हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि काजी कौन था, उसका काम क्या था, लुक इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो काजी उस जगह का जो होता था उसको अथॉरिटी दी गई थी कि आप देखेंगे कि इंग्लिश मैन के इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहें और उनको जस्टिस मिले। यू नो ना, मेहमान भगवान होता है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ होता है। सो आज की बात नहीं है, पहले की ही बात है। तो हमेशा से ही इट वॉज़ लाइक कि बाहर से कोई है उसको तकलीफ ना हो, आप देख लीजिएगा।
एंड आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, जब कोई मेहमान होता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, विद रिस्पेक्ट, विद कर्टेसी, राइट? करते होगे ना सब लोग, आई होप करते हो, ठीक है। सो इस तरीके से उनको एक बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई अपने आप को, अपना सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने की। सो बेसिकली उनको क्या मिला, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियसली अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करो, फर्स्ट पॉइंट जाओ, अपने लॉज अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली काम करो, फ्री हैंड इन ट्रेड, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एंड फैक्ट्री सेटअप, ऑब्वियसली जगह दे दी, एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम नेटिव लॉज इन देयर मैटर्स इंटर से। इंटर से मतलब आपस के, कोई भी नेटिव लॉज आपके आपस के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप उनसे एग्जेम्प्ट रहोगे। दीज आर दी कंसेशंस विच दे गॉट। मूविंग अहेड विद दैट, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख ही लेते हैं। उस थर्ड पॉइंट को याद रखना कि जब इंग्लिशमैन और नेटिव के बीच में झगड़ा होगा या कोई डिस्प्यूट होगा तो नेटिव लोकल अथॉरिटी जो भी होगी उसके पास जाएंगे, बट कैसे वो बेनिफिट करेगा उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखते हैं कि सूरत फैक्ट्री का कैसा था। पहली बात, फैक्ट्री थी तो उसका कोई हेड भी होगा। हेड कौन था, उसको गवर्नर कहते थे या प्रेसिडेंट कहते थे? क्योंकि उसको प्रेसिडेंट कहते थे इसीलिए जगहों का नाम प्रेसिडेंसी पड़ा, प्रेसिडेंसीज पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहाँ का जो हेड था वो प्रेसिडेंट होता था इसलिए। सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल ट्रेडिंग स्टेशन। सो ऑब्वियसली सूरत एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग स्टेशन बन गया था, एंड बाकी और जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी अलग अलग जगह वो इसके सबऑर्डिनेट आती थी, दैट इज सूरत वॉज ऑन द टॉप इन दिस फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री में जैसे हमने बताया, आज की फैक्ट्री नहीं है कि प्रोडक्शन हो रहा हो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे वेयर हाउसेज भी थे, ऑफिसर्स भी थे, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के लिए। फिर क्या था थर्ड पॉइंट, कैसे रेगुलेट होता था फंक्शन। ऑफकोर्स वोट इन दी काउंसिल होता था, गवर्नर उसका काउंसिल होता था ना, तो जो काउंसिल होता था उसकी वोटिंग होती थी, और वो भी मेजोरिटी वोटिंग, नॉट यूनानिमस, मेजोरिटी विंस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट के पास वोटिंग राइट्स क्या थे, क्या कुछ एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स थे? एक्स्ट्रा मतलब वीटो पार थी क्या? नहीं, कोई वीटो पार नहीं थी। प्रेसिडेंट के पास भी सिर्फ एक वोट होता था, वीटो पार नहीं होता था। अच्छा, वीटो पार क्या होता है? वीटो पार, इफ यू नो कमेंट। हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअल किसको पता है कि वीटो पार क्या होता है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल, बट डू कमेंट अगर आपको पहले से पता है। गूगल में देख कर मत लिखना, जस्ट गिव इट बाय योरसेल्फ, ओके। सो वीटो पार क्या है, जब कभी भी क्या बोलते उसको, क्लैश या टाई अप होने वाली सिचुएशन आ जाए तो जो एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाता है दैट इज वीटो पार। वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास नहीं थी कि वो एक वोट जो आपकी पार्टी या एक साइड को जिता सकता है, वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास नहीं थी। जब सभी वोट करेंगे तो प्रेसिडेंट भी वोट करेगा, कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं मिल रहा है उसको, कोई वीटो पार नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे वो सब कंपनी करती थी, वही रखती थी ऑफिसर्स को, वही रखती थी सबको। तो कंपनी के सर्वेंट्स कैसे होते थे या मतलब कौन कौन होते थे, तीन कैटेगरी होती थी ब्रॉडली। पहले कुछ राइटर्स होते थे सबसे लोएस्ट लेवल पे, फिर उनके ऊपर फैक्टर्स होते थे, फिर उनके ऊपर सीनियर फैक्टर्स होते थे, और अल्टीमेट मर्चेंट्स होते थे। ये हायरार्की पे कोई भी रेज कर सकता था, जैसे राइटर्स 5 साल आप रहो तो फैक्टर्स बन जाओगे, फैक्टर्स आप 3 साल रहो फिर आप सीनियर फैक्टर बन जाओगे, सीनियर फैक्टर आप फिर 3 साल रहो तो आप मर्चेंट्स बन जाओगे। सो इस तरीके की हायरार्की और वर्कर्स थी यहाँ पे, एम्प्लॉयज थी यहाँ पे। लास्ट पॉइंट इज दैट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सॉरी जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके, सो लास्ट पॉइंट इज दैट कि उनको प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड था, ठीक है, वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे। सॉरी फॉर दिस, ओके, वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे। अच्छा, क्यों कर सकते थे प्राइवेट ट्रेड? इसलिए कर सकते थे क्योंकि जो सैलरीज होती थी उस टाइम पे बहुत कम होती थी, बहुत मीगर थी, इसलिए बोला गया था कि आप प्राइवेट ट्रेड आराम से कर सकते हो। यही प्राइवेट ट्रेड था तो जो बाद में जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पोज करता है कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ यहाँ के नेटिव रूलर्स के लिए भी,
क्योंकि इसी प्राइवेट ट्रेड की वजह से काफी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हो रही थी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, बहुत चीटिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे का एम्बेजलमेंट हो रहा था। ओके, मूविंग एट विद दैट, अब यहाँ पे जस्टिस का सिस्टम कैसा था सूरत में, लेट अस हैव अ लुक। सूरत फैक्ट्री में जो जस्टिस सिस्टम था, कुछ पॉइंट्स अगेन लेट अस हैव। पहला है डबल सेट ऑफ लॉज। कैसे डबल सेट ऑफ लॉज, अभी उन्होंने पढ़ा ना, इंग्लिश वाले अपने लॉज फॉलो कर सकते हैं, जब नेटिव्स की बारी आई तो नेटिव लॉ फॉलो होंगे। ये डबल सेट ऑफ लॉ था कि एक पर्टिकुलर लॉ नहीं था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इंग्लिश वाले इंग्लिश लॉज में आते थे और जब भी नेटिव की बात आती थी तो उनको नेटिव लॉज फॉलो करने पड़ते थे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, इंग्लिश में इनको कहा गया था ना, आप अपने ट्रिब्यूनल्स में सॉल्व कर सकते हैं, बट रेगुलर ट्रिब्यूनल थे ही नहीं उनके पास, कोई ट्रिब्यूनल ही नहीं था, तो प्रॉब्लम यहाँ भी थी। थर्ड इज दैट, क्रिमिनल केसेस के साथ क्या था, क्रिमिनल्स केसेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नर और उसका काउंसिल ही काफ़ी थे। बाद में क्या हुआ, जब रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 आया जो जेम्स वन ने दिया था, इफ़ यू रिमेम्बर, उन्होंने इसकी बात पहले भी की है, ठीक है। जब जेम्स वन ने बोला, तब बोला कि फाइन, जो कंपनी है मतलब जो प्रेसिडेंट और उसकी काउंसिल है, वो किसी भी मैटर में इंग्लिश सब्जेक्ट्स को ट्राई और पनिश कर सकती है। अब इंग्लिश सब्जेक्ट्स को करेगी तो उनके हायर्स और उनके सक्सेसर्स को भी कर सकती है जो कि कंपनी के एम्प्लॉई हों। आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट इज दैट, जो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल है वो किसी पर भी डेथ सेंटेंस दे सकता है, नॉट किसी पर भी, बट ओनली इन द केस जब कोई ऑफेंस म्यूटिनी का हो या फेलनी का हो, मतलब ट्रीजन सॉर्ट ऑफ, आफ्टर सीकिंग। और वो भी ऐसे ही नहीं, गवर्नर काउंसिल को इन ऐसे डेथ पेनाल्टी देने के लिए 12 मेंबर्स की ज्यूरी का साथ चाहिए, का हेल्प चाहिए, तभी वो ऐसे डिसीजंस ले सकती हैं। फ्री फंड में किसी को भी सूली पे नहीं चढ़ाना है, आपको एक पर्टिकुलर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल को कंसल्ट करना पड़ेगा, दैट वॉज मैंडेटरी। नेक्स्ट इज, सिविल केसेस में क्या होता था, सिविल केसेस में ये होता था दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इंग्लिश लॉ, वो अपने नोशंस ऑफ जस्टिस पे बिलीव कर रहे थे एंड फेयर प्ले खेल रहे थे, मतलब वही गुड कॉन्शियस, इक्वालिटी, उन नोशंस के भरोसे। वाई सो, बिकॉज अगेन दे वर नॉट प्रोफेशनल्स, वो नॉन लीगल पर्सन्स थे, उन्हें नहीं आता था कुछ लॉ का, एक्सपर्टीज नहीं थी, सो उनको जो सही लगता था अपने हिसाब से वो वही करते थे। सो बेसिकली द मेन फीचर क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो सूरत में चल रहा था, कि जो एग्जीक्यूटिव था दैट वॉज इट्सेल्फ द सोल जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम कुछ डिफेक्ट्स से ट्रिब्यूनल्स में। अब हम आते हैं उस थर्ड पॉइंट में, नेटिव ट्रिब्यूनल्स के कुछ डिफेक्ट क्या, सी ब्राइबरी, करप्शन रैम्पेंट। सेकेंडली, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो आर्बिट्रेरी डिसीजंस लेते थे, आज ये बोल दिया कल वो बोल दिया, अगेन कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं लॉ में। तो इन प्रॉब्लम्स का या इन डिफेक्ट्स का इंग्लिश में बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते थे, जहाँ ब्राइबरी और करप्शन करवाना होता तो वो करवा देते थे, एंड उन चीज़ों से बहुत ही अच्छे से उन सिस्टम को या इस सिस्टम को, जो नेटिव ट्रिब्यूनल्स का सिस्टम था, उसको बहुत इजीली एक्सप्लॉयट करते थे वो, और फिर वो लॉ को अपने हाथ में ले लेते थे, वही लूप होल ढूंढो और अपने हाथ में लॉ ले लो। सो दिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूरत, ठीक है। सो अब कोर्स ऑफ टाइम के साथ क्या हुआ, ये चीज़ें चलती रहीं, बट सूरत धीमे धीमे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सेंटर की इम्पोर्टेंस खोने लगा, धीमे धीमे उसका चार्म चला गया, एंड कंपनी को बॉम्बे नाम की जगह बड़ी सही लगने लगी कि यस, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और अच्छे से की जा सकती हैं। सो फाइनली जब हेडक्वार्टर्स प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल का बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, दैट इज़ मई 1687, जब हम बॉम्बे पढ़ेंगे सेटलमेंट तो भी ये ईयर आएगा कि प्रेसिडेंट और सॉरी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर्स था वो पहुंचा बॉम्बे में इन मई 1687, एंड देयर बाय सूरत लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस फॉर एवर एज अ ट्रेडिंग फैक्ट्री या ट्रेडिंग सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सूरत।
मूविंग विद दैट, सेकेंड टॉपिक इज मद्रास. आते हैं मद्रास पे. मद्रास का सिस्टम हमें पढ़ना है फ्रॉम 1639 टू 1726. 1639, इफ यू रिमेंबर, दैट वॉज द ईयर वेन मद्रास वॉज एस्टैब्लिश्ड. 1726, अभी हम लोग ने बात की ना, जब हम लोग अभी ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1726 तक की पूछा हो सकता है. क्यों? क्योंकि 1726 वाला जो चार्टर आया था वो हम लोग ने अभी पिछले लेक्चर में किया है, इफ यू रिमेंबर. यस, वो मेयर्स कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसीज में स्टैब्लिश किया था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया था. इसलिए मद्रास की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है अर्ली, वो हम 1726 तक ही कवर करते हैं. मूविंग विद दैट, फाइन, अब इसकी स्टोरी जानते हैं. इसकी स्टोरी क्या थी, इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, कि फैक्ट्री थी मसूली पट्टनम में, इफ यू कॉल मसूली पट्टनम और मसूली पट्टनम. सो फैक्ट्री वहाँ पे थी. अब ये फैक्ट्री कोई बहुत फैक्ट्री नहीं थी, मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हैं सेंटर नहीं था, या कोई मेजर सेंटर नहीं था. ये एक एजेंसी जैसी काम कर रही थी. एजेंसी वो भी किसकी, सूरत के अंडर. रिमेंबर, सूरत थी ट्रेडिंग सेंटर था मेन, और बाकी सब सबॉर्डिनेट थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, हम लोग ने पढ़ा. सो एजेंसी जैसा काम कर रही थी. अब एजेंसी में हेड कौन होगा? एजेंसी में हेड था एजेंट. अब एजेंट और उसकी काउंसिल उनके फैक्ट्री जो सूरत में थी उसके अंडर काम कर रहे थे. 1639 में इस मसूली पट्टनम फैक्ट्री के एक मेंबर थे फ्रांसिस डे. उन्होंने वहाँ के लोकल हिंदू चीफ रूलर से कुछ परमिशन सिक्योर कर ली कि क्या प्लीज़ हम यहाँ पे एक फोर्टिफाइड इंग्लिश फैक्ट्री बना लें. फोर्टिफाइड इज बोल्ड. वाई सो? क्योंकि अब यहाँ पे बनने वाला है फोर्ट. सो उन्होंने कहा ओके फाइन, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड ले लीजिए, बना लीजिए. अब उस स्ट्रिप ऑफ लैंड पे एक फोर्ट बना, जिसका नाम रखा गया सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज. और इंग्लिश मैन और उनके जितने भी सगे संबंधी थे, जो ऑफिसर्स थे, सर्वेंट्स थे, वो सब उसके अंदर रहने लगे. वो सब गोरे थे. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको वाइट टाउन बोले जाने लगा. यू कैन सी वाइट टाउन बोर्ड में दिया हुआ है, राइट? सो इस फोर्टिफाइड सेटलमेंट में कंपनी को कहा गया कि ओके फाइन, आप अपने पैसे मिंट कर सकते हैं. सेकेंडली, आप मद्रास पट्टनम, मतलब एक पास का एक गांव था एडजेसेंट, तो आप वहाँ पे भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं. ओके फाइन. अब फोर्ट के अंदर तो वाइट टाउन हो गया, पर जो पास वाली जगह थी जहाँ पे लोकल नेटिव लोग रह रहे थे, मद्रास पट्टनम जैसी जगह, तो क्योंकि कलर डिफरेंस था, इसलिए क्योंकि जब अंदर वालों को वाइट टाउन बोला जाने लगा, तो बाहर वाले लोग जो सेटलमेंट में इनहैबिट थे उनको ब्लैक टाउन बोला जाने लगा. अब इसे हुआ क्या, इस कोर्स ऑफ टाइम में ये पूरी टेरिटरी जहाँ पे वाइट टाउन प्लस ब्लैक टाउन जो थी, दोनों साथ में मिलके बोलने जाने लगे दैट दिस इज मद्रास. ठीक है. नाउ इट वॉज ओनली इन 1665 जब मद्रास फैक्ट्री को सूरत फैक्ट्री, मतलब अभी तक की जो सूरत फैक्ट्री का सबऑर्डिनेट था, उसको प्रेसिडेंसी का स्टेटस दे दिया गया. ठीक है. 1665-66, दिस वॉज द टाइम व्हेन मद्रास वॉज मेड अ प्रेसिडेंसी. द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दोनों टाउन्स का अलग अलग हो रहा था, मतलब वाइट टाउन का, ब्लैक टाउन का अलग अलग चल रहा था. कैसे, हम लोग देखते हैं, चलो. सो यहाँ पे अगर हम लॉ एंड जस्टिस की बात करें मद्रास में, तो क्या चल रहा था, लेट अस सी. या हम अपनी ईज के लिए लॉ एंड जस्टिस जो मद्रास में था सेटअप, उसको तीन फेजेस में बांट लेते हैं, मतलब पूरे 1639 से 1726 हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तीन टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं. कब कब? 1639 टू 1665, देन 1678 टू 1686, एंड देन लास्ट 1686 टू 1726. ठीक है. सी, पॉइंट्स में दिया हुआ है, आपको याद हो जाएगा. सेंटेंस फॉर्म करना इतना टफ नहीं होता है. आई नो यू आर ऑल आर ग्रोन अप, आप सेंटेंस फॉर्म इजीली कर लोगे अपने आप से. सो पॉइंट्स दिमाग में रखना. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने को आए तो जस्ट फॉर्म गुड पॉइंट्स सेंटेंसेस एंड देन फॉर्म योर ओन आंसर्स. ठीक है. सो पहले फेज में क्या था, मतलब फ्रॉम 1639 टू 1665,
ईयर समझ में आ रहा है ना, 39 जब स्टैब्लिश हुआ, 65 जब उसको प्रेसिडेंसी स्टेटस मिल गया, तो ये एक टाइम पीरियड था। जस्टिस वॉज एट इट्स रेडिमेंट्री स्टेट, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज थी, बिल्कुल ही जैसे कहते नहीं है इनएक्सपीरियंस वाला फेज जो होता है वो। सेकेंड इज दैट जो एजेंसी थी वो कौन मैनेज कर रहा था, अभी बताया था, एजेंट मैनेज कर रहा था अपनी एक छोटी सी काउंसिल की हेल्प से। व्हाइट टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, जो एजेंट और उसके काउंसिल होते थे वही लोग दोनों केसेस डिसाइड करते थे, चाहे वो सिविल केसेस हों चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों। ठीक, ओके। देन उनकी जुडिशियल पावर्स जो थी वो क्लियरली डिफाइंड तो थी नहीं, तो इससे क्या होता था, अब वो जो भी डिसीजंस दे रहे हैं वो कभी वेग होते थे कभी अनसर्टेन होते थे, तो ये एक प्रॉब्लम थी। देन कॉम्प्लिकेटेड केसेस का क्या करते थे, अब ऑब्वियसली लेमेन ही थे ना, एग्जीक्यूटिव थे, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने पे क्या करते थे, अगेन इंग्लैंड रेफरेंस के लिए भेज देते थे कि बता दीजिए इसमें क्या करना है। इन पॉइंट से क्या होता है, डिले होता है इफ़ यू कैन कनेक्ट इट। सेकेंड आता है हमारा ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, उस टाइम पे चाउल्ट्री कोर्ट्स फंक्शन करते थे, दीज आर दी टाइप ऑफ कोर्ट्स, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट नाम याद रखो, ब्लैक टाउन्स में ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी चाउल्ट्री कोर्ट्स फंक्शन करते थे। मूविंग टू मोर थिंग्स, अब डिफेक्ट्स क्या थे फॉर द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज के डिफेक्ट्स देखो, यू कैन सी ना, यही इसी ब्लॉक में हम चल रहे हैं, इसी रो में। फाइन, लेट अस कम डाउन। फाइन, सो नो एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ केसेस, कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर था नहीं, ये सब डिफेक्ट्स हैं रिमेंबर। सेकेंड, नेटिव जजेस से अभी बताया लेमेन थे, तो उनके जो भी डिसीजंस होते थे वो नोशन ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस पे बिलीव करते थे। 1665 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई, तो उसके बाद 65 के बाद या जब तक कि सेकेंड फेज हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम 78, तब तक कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि कुछ बहुत डिफरेंट या कुछ बहुत कंक्रीट हुआ ही नहीं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट फेज, दैट इज 1678 से 1686। 1678 में क्या हुआ, गवर्नर चेंज हुए मद्रास के, सो एक नया गवर्नर एक नई एनर्जी, इसीलिए कुछ ना कुछ डिफरेंट हुआ। स्ट्रेंशैम मास्टर बिकेम द गवर्नर ऑफ मद्रास, उन्होंने अपना जुडिशियल सिस्टम मद्रास का जो था वो रीऑर्गेनाइज करवाया, उन्होंने लाया जुडिशियल प्लान ऑफ 1678, जिस साल आए उसी साल अपना जुडिशियल प्लान लेकर आए। इसके अकॉर्डिंगली पहली बात तो इट एलिमिनेटेड द लॉन्ग डिलेज, जो डिले हो रहे थे ना डिस्पोजल में केसेस के, चाहे वो सिविल हो चाहे वो सीरियस क्रिमिनल केसेस हो, उनको इरेडिकेट करने की कोशिश थी। सेकेंड इज दैट कोर्ट की सिटिंग कैसी होनी थी, ट्वाइस अ वीक, ज़्यादा रेगुलरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड वॉज दैट जो क्रिमिनल केसेस थे वो भी डिसाइड किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी ऑफ 12 पर्सन्स, ठीक है, अगेन अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं देना है। फोर्थ वॉज दैट कि इस कोर्ट को, जो कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड उसका काउंसिल बन रहा था, इस कोर्ट को बोला गया दैट इट वॉज द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अब इसको ऐसा डेजिग्नेशन दे दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ के लॉज और प्रोसीजर्स भी थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, सो इनसे बोला गया कि आप इंग्लिश लॉ फॉलो करिए, प्रोसीजर्स फॉलो करिए। प्लस जो चाउल्ट्री कोर्ट्स होते थे उनका जो भी अपील्स होती थी वो आती थी कोर्ट ऑफ गवर्नर और काउंसिल के पास, सो इनके पास एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी था। देन वर्किंग ऑफ चाउल्ट्री कोर्ट्स वॉज ऑल्सो रीऑर्गेनाइज, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्लैक टाउन के लिए कुछ किया नहीं, चाउल्ट्री कोर्ट्स में भी उन्होंने रिहॉल किया सिस्टम को। देन इसी वजह से एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, चाउल्ट्री कोर्ट्स है उनके ऊपर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, मतलब जो गवर्नर और उसकी काउंसिल का है। सेकेंड इज दैट कि जितने भी सेंटेंसेस होने थे कोर्ट्स में उनको रिकॉर्ड करने को बोला गया कि रिकॉर्ड रखिए प्रॉपर रिकॉर्ड। अब कुछ फिर भी डिफेक्ट रह गया, क्या जो पर्सन इंचार्ज होता था ना उसके अपने ही डाउट होते थे, अपनी कॉम्पिटेंसी को लेकर, अपने एक्सपर्टीज को लेकर, अपने ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, सो ये एक डिफेक्ट पैदा करता था। सेकेंड वॉज दैट कि ऑब्वियसली जो केसेस इंग्लैंड जाते थे रेफर के लिए वो डिले होते थे, एंड प्लस अंडर ट्रायल्स जो चल रहे होते थे उनको हार्डशिप सहनी पड़ती थी, सो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी चीज़ों में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया आगे कैसे, लेट अस सी। तो हमारा आता है
थर्ड फेज स्टार्ट होता है 1686 में एंड इट गोज टू 1726। अच्छा 86 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 86 में एडमिरल्टी कोड्स इस्टेब्लिश हुए थे। अच्छा ये एडमिरल्टी कोड्स कहाँ से आए और क्या थे, 1683 में एक चार्टर आया था कंपनी का जो ब्रिटिश क्राउन ने दिया था कुछ डिफेक्ट्स को सॉल्व करने, मतलब उनकी जुडिशियल पावर्स को बढ़ाया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि अब मद्रास में एडमिरल्टी कोर्ट और मेयर्स कोर्ट दोनों इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो इट वॉज वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर। अब देखते हैं कि उस टाइम का सिनेरियो कैसा चल रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि जो प्राइवेट इंग्लिश मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे वो अभी भी अनऑथोराइज ट्रेड कंडक्ट कर रहे थे, जिससे कंपनी को नुकसान होता था, क्योंकि जो उनका पैसा है मतलब जो उनके ट्रेड में और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है वो जा रहा था कहीं और। सेकेंडली हाई सीज पर थोड़े क्राइम्स बढ़ गए थे, पायरेसी बढ़ चुकी थी, वही पायरेट्स वगैरह समुद्री लुटेरे वो हो रहा था। सो सॉल्यूशन आया, ब्रिटिश क्राउन ने कहा फाइन आई एम अलाउइंग यू और आई एम गिविंग यू अ चार्टर। अब चार्टर वो 1683 का लाया, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने अलाउ किया कि अगर किसी एरिया के लिए आपको एक से ज़्यादा कोर्ट इस्टेब्लिश करने हैं यू कैन, फाइन। सेकेंड हर कोर्ट में एक लॉ मेंबर होगा, मतलब एक लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको पता हो कि वो क्या प्रोनाउंस कर रहा है, वो क्या डिसाइड कर रहा है। सेकेंडली दो इंडियन मर्चेंट्स होंगे जो नेटिव लॉज को समझाएंगे उस जज को, ठीक है। थर्ड इज दैट कि मर्केंटाइल एज वेल एज मैरीटाइम केसेस कुड बी सॉल्व्ड, मतलब चाहे वो लैंड के केसेस हों चाहे वो सी के केसेस हों, दोनों सॉल्व किए जा सकते थे इन कोर्ट्स में। नाउ मतलब रिलेट कौन से कर सकते हैं, जैसे हाई सीज पे जो भी ऑफेंसेस हो रहे हों, फॉर्ट फीचर्स हों, गुड्स सीजर हो रहा है, शिप्स को कैप्चर किया जा रहा है, इस जितने भी केसेस होंगे वो सब सॉल्व हो सकते हैं। फिफ्थ इज इम्पार्ट जस्टिस अकॉर्डिंग टू नोशंस ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। अभी भी ऐसे नोशंस पे आप जस्टिस प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स ऑफ मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स का कस्टम है उसको भी ध्यान रखेंगे, नेटिव होंगे ना कहीं ना कहीं। देन उनको अलाउ किया गया कि आप अपने कोर्ट के प्रोसीजर्स खुद ही बना सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगे। बट मेन फीचर वॉज दैट कि इस एक्ट में या इस चार्टर में बेसिकली एडमिरल्टी कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई मद्रास में 1686 में, एंड ऑल्सो एम्पायर किया कि मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान देना, इट सुपरसीडेड द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, मतलब ये जो अब कोर्ट बन रहे थे एडमिरल्टी कोर्ट जो बेसिकली था वो गवर्नर और काउंसिल के कोर्ट से ऊंचा था, उसको हाई लेवल दिया जा रहा था, ठीक है। अब आते हैं हम चाउल्ट्री कोर्ट्स पे, बताया था ना चाउल्ट्री कोर्ट्स ब्लैक टाउन में वर्क करते थे, था क्या और क्योंकि दो फेजेस की यहाँ बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले फेज में हमने पढ़ा कि प्री ब्रिटिश में जो चल रहा था वही कंटिन्यू हुआ फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में जब गवर्नर चेंज हुए तो उन्होंने चाउल्ट्री कोर्ट्स की वर्किंग को चेंज किया, किस तरीके से चेंज किया लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट, एंड पहले क्या था बाद में क्या था एक एक करके देखते हैं। सो लुकिंग ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ कॉलम फर्स्ट, सबसे पहले तो जो चाउल्ट्री कोर्ट्स थे उनको हेड करता था एक नेटिव हेडमैन, जिसे बोलते थे मतलब विलेज हेडमैन, उसको बोलते थे आदिकार। अब ये आदिकार क्या करता था, पेटी सिविल केसेस हो गए क्रिमिनल केसेस हो गए उनको सॉल्व करता था। थर्ड इज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एरिया। प्लस ये जो चाउल्ट्री कोर्ट्स होते थे वो कस्टम हाउस और रजिस्ट्रेशन हाउस जैसा भी काम करते थे, क्या चीज़ रजिस्टर करना था, सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके लिए वो काम करते थे रजिस्ट्रेशन हाउस जैसे। देन बट दे वर नॉट एम्पावर्ड टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस ऑफ सीरियस नेचर, अगर बहुत सीरियस नेचर होगा तो वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कौन डिसाइड करेगा फिर, जो नेटिव राजा होगा उसके पास वो केसेस जाते थे, ही वॉज द अथॉरिटी हु हैज टू सॉल्व दोस सीरियस क्राइम्स। देन एक और ऑफिसर होता था जो पेदागने बोलते थे उसको, सीनियर नायक होता था, सबॉर्डिनेट ऑब्वियसली अधिकार के सबॉर्डिनेट होता था, पर इस सीनियर नायक का काम क्या होता था, जैसे कि कोई भी ऑफेंडर है वो ट्रायल के लिए आ रहा है उसको एप्रीहेंड करना कॉन्स्टेबल के साथ, ये सब काम होते थे सीनियर नायक के। सेकेंड फेज में चेंज क्या हुए,
चेंज ये हुआ कि आधिकार को रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश मैन से, इंग्लिश सर्वेंट से, जो कि कंपनी का था। सेकंड, तीन लोग थे, पे मास्टर, मिंट मास्टर, कस्टम मास्टर, ठीक है। और तीनों को ही जज के साथ बैठना था, मतलब जज की तरह बैठना था। दे हैव टू सिट एज जजेस इन द चाउल्ट्री होल्ड ट्वाइस अ वीक। हम लोगों ने पढ़ा था ना ऊपर, रेगुलरिटी ला रहे थे, वो बोल रहे थे कि सिटिंग ट्वाइस अ वीक होगी। सो सेम यहाँ पे दिया कि तीनों को ट्वाइस अ वीक बैठना पड़ेगा। वो कहाँ तक के केसेस सॉल्व कर सकते थे? अप टू 50 पगोडास। डिसाइड द क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर, क्योंकि मेजर तो गवर्नर, उसी काउंसिल का हक था ना। सो माइनर केसेस वो सॉल्व कर सकते थे चाउल्ट्री कोर्ट्स। देन अपील इस कोर्ट की कहाँ जाती थी, अभी हम लोगों ने बात की थी, ऑब्वियसली टू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जिसमें गवर्नर और उसकी काउंसिल होती थी मद्रास वाले। देन लाइकवाइज हायरार्की ऑफ कोर्ट वॉज क्रिएटेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चाउल्ट्री कोर्ट्स। सो ऑन द होल वी कैन से दैट द जस्टिस वॉज एट इट्स रेडिमेंट्री स्टेज इन द अर्ली ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ठीक है, ये क्लोजिंग सेंटेंस था आज का। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो, पॉइंट्स ईजी लगे, इसीलिए थोड़ा सा और शॉर्ट में बताया है। बट डू रिवाइज, मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक शॉर्ट में देते हैं जैसे हम करते हैं हमेशा। सूरत, ईयर, उसकी कहानी क्या थी, कैसे आया, देन कंसेशंस कौन कौन से मिल गए थे स्टार्टिंग से ही, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, कौन हेड था, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था, उसके डिफेक्ट्स क्या थे, ठीक है। देन आए हम मद्रास पे, उसका ईयर, उसकी स्टोरी, कैसे आया मद्रास, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन का डिफरेंस, किस तरीके से दोनों डिफ्रेंशिएट हुए और दोनों साथ में मिलके मद्रास बन गए। लॉ एंड जस्टिस को मद्रास में हम तीन फेजेस में पढ़ते हैं, कौन कौन से ड्यूरेशन में, सी दिस इज द फेज, दिस इज द ड्यूरेशन एंड दिस आर द मेन फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर। सो फेजेस कौन कौन से हैं एंड फीचर्स क्या क्या हैं। वाइट और ब्लैक का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन का क्या क्या फीचर्स होते थे, चाउल्ट्री कोर्ट्स में कौन से चेंजेस आए, यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन, ठीक है। फिर थर्ड फेज में चार्टर आया, जिसकी वजह से मेयर्स कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई थी। उसका कॉन्सिक्वेंस हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, जब हम मेयर कोर्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज इट फॉर टूडे। सूरत और मद्रास हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू बॉम्बे एंड कैलकटा। दिस इज द 11th लेक्चर, टोटल मिला के आज 11th लेक्चर है। सो नाउ आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, जिसको पता नहीं है, सारे लेक्चर्स के साथ आपके लिए कुछ MCQs आते हैं, कुछ क्या 10 MCQs देते हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, लिंक होगा गूगल फॉर्म का, जस्ट फिल इट एंड अटेम्प्ट दोज। उससे क्या होगा ना, वीडियोस तो देखते हो, समझ में आए, इट्स गुड, अगेन आई एम सेइंग MCQs ज़रूर करना, प्रैक्टिस होती है उससे, यू विल बेटर नो योरसेल्फ कि जितना वीडियो में देखा एक्चुअल समझ में आया है कि बस सुपरफिशियली निकल गया है सब कुछ। साथ ही साथ नोट्स भी अटैच करके रखे हुए हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट, टेक इट, रीड इट, या आप वीडियो देखते देखते अगर अपने खुद के नोट्स बनाना चाहो पॉइंट वाइज, यू आर फ्री टू डू दैट। अपने नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं, बट इफ यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई नोट्स, हेयर इट इज, ओके। एंड येस, नाउ आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट यूनिट 2 के जब जब हम अपडेट दें, मतलब नोट्स, ये वीडियोस बनाएं, क्योंकि 1 या 1.5 दिन का गैप हो रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि येस नाउ देयर इज अ लेक्चर एंड वी हैव टू कंडक्ट इट, ओके। सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से, थैंक यू।